शुभ विजसी माँ, आज हम कढ़ी बना रहे हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सर में दही डालेंगे और साथ ही इसमें एक कप बेसन डालेंगे और इसमें हल्दी आधा टीस्पून, हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, दो मिर्च, दो टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और ये दो टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर, इसमें हमें पानी डालूँगी, सबसे पहले 6-7 कप पानी डल जाएगा और इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। ये मैं चीज़ें तड़के के लिए दिखा रही हूँ। प्याज, एक प्याज लिया है, ये साबुत लाल मिर्च लिए हैं, मेथी दाना लिया है, ये जीरा लिया है, ये राई ली है और ये लहसुन 6-7 पीस और ये हींग। आप चाहें तो साबुत धनिया पाउडर भी डाल, धनिया साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, ये एक पिंच हींग, राई, सब चीज़ें हम इसमें तड़के में हम डाल देंगे और इनको थोड़ा भूनने देंगे। कढ़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनती है, सबको अच्छी लगती है। कढ़ी और चावल का कॉम्बिनेशन सभी जगह का है और ये फटाफट बन जाती है। आप छाछ से बनाएं चाहे दही से बनाएं, थोड़ी खट्टी दही हो तो अच्छा हो रहता है। और इसके ऊपर एक उबाले के बाद हमें वाइट लेयर दिखेगी तो उसको हम थोड़ा सा हटा देंगे और बाकी सबको कम से कम हमें आधा घंटा इसको लो फ्लेम पे पकने देना है, लो से थोड़ी सी ज़्यादा, और इसको हम छोड़ देंगे। इसमें कोई जलने का डर नहीं, कुछ नहीं, इसको हम पकाते रहेंगे। और ये हमारी ये बन जाएगी। और एक तरफ हम पकोड़े बना लेंगे, इसमें हम पकोड़े डाल सकते हैं, बूंदी डाल सकते हैं, सब्जियों वाली कढ़ी बनती है, कई प्रकार से कढ़ी बनती है। मैं आज पकौड़ों वाली बना रही हूँ और इसमें पूरी कढ़ी बनने के बाद इसमें हम पकौड़े डालेंगे। ये मैं पकौड़े डाल रही हूँ और ये हमारी कढ़ी बन गई, कंप्लीट हो गई।